Now I am going to teach you second part of the indoor gardening. Let's irrigate the plant with liquid manure. Liquid manure prepared from neem cake promotes growth and color to the foliage. जो liquid manure neem cake द्वारा बनाई जाती है उससे अच्छी वृद्धि होती है तथा जो पत्तियाँ हैं उनका रंग भी काफ़ी सुंदर होने हो जाता है. वन इरीगेशन विद लिक्विड मैन्योर इज ए रिक्वायर्ड पर मंथ. लिक्विड मैन्योर द्वारा जो नीम के एक्सपान है उससे द्वारा एक माह पे एक बार इरीगेशन करना सफिशियंट रहता है. अवॉइड पार्ट बाउंड कंडीशन बाई रिपॉटिंग वंस इन टू ईयर्स. जो भी गमले में पौधे लगाए जाते हैं उनमें चूँकि रूट बाउंड कंडीशन हो जाती है एक वर्ष डेढ़ वर्ष में अतः एट लीस्ट यू शुड हैव टू डन रिपॉटिंग आफ्टर टू ईयर्स ऑफ द आफ्टर टू ईयर्स ऑफ द प्लांटिंग ऑफ द प्लांट इन पॉट बिकॉज देयर इज बिकम रूट बाउंड कंडीशन. नीचे बढ़ने के लिए चूँकि लिमिटेड स्पेस रहता है तो रूट जो है जड़े पौधे की आपस में एक दूसरे पर चढ़ जाती है जिससे गमले और काफ़ी जड़े हो जाती है जिससे गमले के फटने का डर रहता है तो रिपॉटिंग कर देनी चाहिए. नेक्स्ट स्प्रे इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड एज सून एज डिजीज आर पेस्ट अपीयर्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. जैसे ही पौधे के किसी भाग पे कोई रोग या कीड़े आदि का आक्रमण होता है तुरंत कीटनाशी अथवा फंजिसाइड का स्प्रे करना चाहिए जिससे उससे छुटकारा मिल गए जाए. नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इंडोर प्लांट्स विच कैन बी इजिली ग्रोन बाई यू इन द पार्ट इन साइड द हाउस. नंबर वन अगेव स्पीसीज. दिस इज प्रोपगेटेड बाई साइड सूट्स आर सीड लीव्स. इसका प्रसारण हाउ नया प्लांट कैसे बना सकते हैं आप बाहर से नहीं खरीदना चाहते तो घर में इसको आसानी से बना सकते हैं. इसकी साइड सूट्स जो इसके बगल में तने निकलते हैं उनके द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है. प्रसारण मीन्स नया पौधा बनाना अथवा लीव्स या पत्तियों द्वारा भी इसका प्रसारण नया पौधा तैयार किया जाता है. आर सीड सीड द्वारा भी इसका प्रसारण किया जाता है. लीव्स कलर्ड रोसेट इसकी पत्तियां जो हैं रंगीन होती हैं तथा गुच्छे की रूप में होती हैं विच आर टूथेड गुच्छे के रूप में तथा दांत की तरह होती हैं एंड विरीगेटेड और विरीगेटेड होती हैं. विरीगेटेड मीन्स इसमें धब्बे होते हैं तरह तरह के रंग बिरंगे तो बड़ी खूबसूरत लगते हैं. आर आइडियल फॉर रूम तथा ये रूम के लिए बहुत ही आदर्श इंडोर प्लांट होते हैं. इसकी इम्पॉर्टेंट स्पीसीज जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो हैं अगेव अमेरिकाना है. दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंचुरी प्लांट. नेक्स्ट अगेव परविफ्लोरा. सेकेंड एलोकाइसिया स्पीसीज. दिस इज प्रोपगेटेड बाई ट्यूबर. इसमें कंद होते हैं नीचे ज़मीन में जिनसे दूसरा पौधा तैयार किया जा सकता है आसानी से. वेल नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल शाइनी लीव्स. ये बहुत ही सुंदर पौधा है इंडोर प्लांट और सुंदर तथा चमकदार पत्तियाँ पैदा करने हेतु मशहूर है. द लीव्स में भी ग्रीन पत्तियाँ हरी हो सकती हैं तथा कलर रंगदार भी हो सकती हैं. वेल सूटेड फॉर पॉट कल्चर. यह गमले में उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है. इम्पॉर्टेंट स्पीसीज आर एलोकाइसिया सैंडेरियोना एंड एलोकाइसिया इंडिका एंड एलोकाइसिया क्यूप्रिया. नेक्स्ट इंथोरियम स्पीसीज. दिस इज प्रोपगेटेड बाई डिवीजन एंड राइजोम कटिंग्स. दीज आर वन ऑफ द मोस्ट शोवी हाउस प्लांट. ये बहुत खूबसूरत घर में लगाने हेतु पौधा है. घर के अंदर लगाने हेतु प्रोड्यूसिंग लेदरी शाइनिंग फोलियज या चमड़े की तरह चमकदार पत्तियां पैदा करता है. कलरफुल लीफ और इसकी पत्तियां रंगीन होती हैं लाइक स्पाइथेस स्पाइथ की तरह फावड़े की तरह इसकी पत्तियां होती हैं. मेक्स प्लांट एक्ट्री जो कि पौधे को बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं इम्पॉर्टेंट स्पीसीज आर इंथोरियम इंडिकेनम एंड इंथोरियम डिजिटाइटम. नेक्स्ट अरुकेरिया स्पीसीज. दिस इज आल्सो प्रोपगेटेड बाय सीड. एक्सीलेंट पॉट प्लांट. यह बहुत ही खूबसूरत
गमले में लगाने हेतु पौधा है, सुटेबल फॉर इंडोर डेकोरेशन जो कि घर के अंदर सजाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है। अदर स्पीसीज विच आर कम इन एरिकेरिया जेनस आर एरिकेरिया कोलुमनेरिस एंड इन दिस केयर शुड बी टेकन दैट ओवर इरीगेशन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दिस इज द सकुलेंट प्लांट यू शुड हैव टू अवॉइड द ओवर इरीगेशन अदरवाइज देर विल बी वाटर स्टैग्नेशन अगर उसमें पानी भर जाएगा दैट विल बी काज डॉटिंग जिससे पौधा सड़ जाएगा। नेक्स्ट कैरिस्टा ग्रैंड फ्लोरा दिस इज ऑल्सो प्रोपोगेटेड बाई सीड एंड कटिंग दिस इज द स्मॉल बुश डीप ग्रीन या छोटा तथा झाड़ीदार हरी पत्तियों वाला पौधा है एंड साइनी लीड तथा इसकी पत्तियाँ बहुत ही चमकदार होती हैं। वाइट फ्रेगनेंट फ्लावर्स आर लॉन्ग दिस इट प्रोड्यूसेस द वाइट फ्रेगनेंट्स सुगंधित फूल इसमें पैदा होते हैं पूरे वर्ष इसमें पैदा होते हैं। किसी को नोट्स बनाना हो तो बना ले मैं अलग हो जाता हूँ।